हिमाचल प्रदेश के ऊना में सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में देश भर की कुल 35 टीमों के 840 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें पुरुष व महिला दोनों वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। खो खो एसोसिएशन के पदाधिकारियों का दावा है कि इस खेल को और बेहतर बनाए जाने के लिए जल्द ही इसे क्रिकेट की तरह लीग स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसके लिए खो खो एसोसिएशन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। शुभारंभ के दौरान प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलें अति आवश्यक हैं और इस प्रकार के प्रतियोगिता से जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य प्राप्त होता है। हिमाचल का प्रथम नागरिक होने के नाते मेरा दायित्व बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है आप सबका स्वागत करना और इस सब जूनियर खो खो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आप सब सम्मिलित होने के लिए यहाँ आए हैं। आज से ये प्रतियोगिता शुरू हो रही है और इस उद्घाटन समारोह में यहाँ मंच पर उपस्थित हैं हिमाचल प्रदेश खो खो संघ के चेयरमैन श्री राकेश ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश खो खो संघ के प्रधान श्री अभिषेक ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग के प्रमुख अध्यक्ष माननीय श्री सतपाल सत्ती जी, राज्य उद्योग वाले 4 दिन तक यह चलने वाली है। अपने विभिन्न प्रदेशों से, अपने भारत के सुदूर केरला तमिलनाडु से लेकर यहाँ उत्तर भारत के सभी प्रदेशों से हमारे बच्चे यहाँ भाग सहभागी होने के लिए आए हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। खो खो एक ऐसा खेल है तो यहाँ बैठे हुए सभी किसी ना किसी समय स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, हम खेले रहे खेल। अपने देश की विशेषता यह है कि अपने देश में जो खेल यहाँ पनपे आगे आए वो सभी खेल हमारे मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हमारे मिट्टी का और अपना कुछ ना कुछ नाता है और इस देश में जो जो खेल यहाँ हम खेलते हैं वो सभी उस नाते को, हमारा और अपने मिट्टी का जो भी नाता है उसको बार बार उजागर करता रहता है। वहीं खो खो प्रतियोगिता के शुरू होने से पहले ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना के एमसी पार्क से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर खिलाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर एक रैली को रवाना किया। कंवर की माने तो जिला ऊना देश के उन जिलों में शामिल है जहां बेटियों की संख्या का प्रतिशत बहुत कम है, इसलिए लोगों को संदेश देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से इस रैली को निकाला गया।